एक्टर सलमान खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है। दरअसल मुंबई पुलिस की आला अफसरों की एक टीम मामले की जांच करने सलमान खान के घर जा पहुंची है। सलमान खान को मूसेवाला जैसा अंजाम करने की धमकी इस लेटर में दी गई है। उनके पिता सलीम खान को भी धमकी दी गई है। इस बीच मुंबई पुलिस के आला अधिकारी सलमान खान के घर पहुंचे हैं। तस्वीरें वहीं के हम आपको दिखा रहे हैं जिस अपार्टमेंट में सलमान खान रहते हैं, वहां पर ये अधिकारी पहुंचे हैं। मामले की जांच इस वक्त तेज है क्योंकि चिट्ठी में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि सलमान खान का हश्र भी सिंगर मूसेवाला जैसा किया जाएगा। यही नहीं, सलमान खान के पिता को भी इस लेटर में धमकी दी गई। दरअसल ये धमकी इसलिए क्योंकि इस कहा जा रहा है कि विश्नोई समाज उस बात से बेहद आहत है जिस तरीके से काले हिरण का शिकार उन्होंने किया था, और इसी बात से नाराज होकर ये धमकी दी गई है। जब उनके पिता जॉगिंग कर रहे थे उस वक्त उनको वो चिट्ठी मिलती है जिसमें इस तरीके के धमकी भरे शब्द लिखे रहते हैं, जिसके बाद पुलिस में जाकर उसकी शिकायत की जाती है। और आज ये टीम पहुंची है बाकायदा छानबीन करने की किस तरीके से धमकी मिली, कितनी बार धमकी मिली है। तो अब इस मामले में जांच तेज चल रही है और वो कौन सा शख्स था जो उस जगह पर चिट्ठी रख के गया, इन सब एंगल पर अब जांच आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ सलमान खान और उनके पिता को किस तरीके से आगे सुरक्षा और देनी है, जाहिर तौर पर इस पर भी बात होगी। सलमान खान को धमकी के मामले में जांच फिलहाल तेज कर दी गई है। एक टीम उनके घर जिस फ्लैट में वो रहते हैं वहां पर एक टीम पहुंची है और वहां आला अधिकारी पहुंचकर सलमान खान और उनके पिता से बात करेंगे कि उनको धमकी कब से मिल रही है, कितनी बार ये धमकी मिली है, और उसके हिसाब से ही अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी। सलमान खान के घर में इस वक्त आपको बता दें पुलिस की टीम मौजूद है। जांच आगे तेज चल रही है क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, बकायदा एक धमकी भरी चिट्ठी सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिलती है जिसमें कहा जाता है कि वैसा ही हश्र उनका भी किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच आगे बढ़ रही है। टीम अंदर पहुंच चुकी उनके घर पर। आला अधिकारी अब उनसे आकर यहां पूछताछ करेंगे कि धमकी उन्हें कब मिली, किन हालातों में मिली, क्योंकि कहा जा रहा है कि सलीम खान जब जॉगिंग करने सुबह गए उस वक्त उन्हें वो चिट्ठी मिली थी। सलमान खान को भी लगातार धमकी मिल रही है। पुलिस में शिकायत के बाद अब जांच पुलिस अपने तरीके से करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विश्नोई समाज के कुछ लोग उनसे नाराज थे काला हिरण मामले को लेकर, क्योंकि उनको भगवान के तौर पर काला हिरण को पूछते हैं वो, और ऐसे में ये धमकी सलमान खान को दी गई। तो आपको बता दें कल ही ये धमकी मिली थी, उसके बाद शिकायत भी दर्ज कराई गई थी पुलिस में जाकर कि किस तरीके से उन्हें धमकी मिल रही है। अब क्या उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सलमान खान के खुद भी पर्सनल बॉडीगार्ड रहते हैं शेरा उनके साथ, लेकिन उसके अलावा भी क्या सुरक्षा उनको और दी जाएगी, उनके पिता को भी सुरक्षा दी जाएगी, अब इस एंगल पर भी यहां पर निर्णय लेना होगा। लेकिन साथ ही साथ जांच भी आगे बढ़ रही है कि वो कौन सा शख्स है जो धमकी दे रहा है। और इसी हिसाब से क्योंकि अभी सिद्धू मूसेवाला की पूरा हत्याकांड हमारे सामने है, किस तरीके से वो साजिश रची गई जिसके तार अलग अलग राज्यों में फैलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी हिसाब से अब देखिए यहां पर जांच आगे बढ़ रही है।